अब एक महीने तक शहनाई नहीं गूंजेगी। मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बाजारों में सहालग और उत्सव से जुड़े दुकानों पर भीड़ कम दिखेगी, क्योंकि 16 दिसंबर से खरमास लग रहा है जो 15 जनवरी तक रहेगा। भगवान सूर्य देव अपनी राशि बदलेंगे, इसलिए मांगलिक कार्यों में विराम लग जाएगा। पंडित शरद पांडे के अनुसार खरमास में किसी तरह के मांगलिक कार्य करना फलदायी नहीं होता। विवाह के शुभ मुहूर्त का संयोग 15 जनवरी के बाद बन रहा है। खरमास में रोजाना सूर्य देव को सुबह अर्घ्य देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आचार्य शरद पांडे ने कहा कि सूर्य देव अपनी राशि बदलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में प्रवेश करने के बाद खरमास का शुभारंभ हो जाता है। 16 दिसंबर को शाम 3:54 में सूर्य देव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते ही खरमास लग जाएगा। उसके बाद अगले एक महीने तक किसी तरह के शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। खरमास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, गृह आरंभ आदि कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि ये शुभ नहीं माने जाते। 15 जनवरी को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद शादी विवाह का शुभ मुहूर्त का संयोग बनेगा। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये ओम नमः शिवाय, बाबा बड़े सिंह धाम मंदिर, गोपीगंज, आचार्य शरद पांडे। आपने पूछा खरमास लगने वाला है। खरमास 16 दिसंबर से लगेगा, दिन शनिवार। 16 दिसंबर से खरमास लगेगा। वृश्चिक राशि से धनु राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो खरमास माना जाता है। 16 दिसंबर से खरमास लग रहा है, 15 जनवरी तक रहेगा। इसमें मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन का कार्य, विवाह का कार्य, नया गाड़ी, ये सब वर्जित रहता है, ये सब नहीं करना चाहिए। बाकी पूजा पाठ और कार्य सब चलता रहेगा, मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ, खरवास में विशेष रूप से थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसमें एक लोटे में जल, लाल चंदन, पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में लगन है। मई जून में तो लगन नहीं है इस बार। मई जून जो महीना है उसमें लगन नहीं है, अप्रैल तक लगन है। उपाय यह है, खरवास में कोई भी कार्य बाधित नहीं रहेगा, यह मांगलिक कार्य बंद रहेगा। मांगलिक का मैंने बताया कि इसे विवाह शादी नहीं है, यह कार्य नहीं होगा, गृह प्रवेश नहीं होगा, नया मकान नहीं खरीदा जाएगा, नए मकान में प्रवेश नहीं होंगे, मुंडन नहीं होंगे। धर्म का काम चलता रहेगा। धर्म का काम चलेगा, मंदिरों में आना जाना, पूजा पाठ हर एक सब चलेगा, यह सब बंद नहीं होगा। मांगलिक कार्य जो है वह बंद होगा। उपाय यह है कि खरमास में भगवान सूर्य को, मैंने जैसे बताया कि भगवान सूर्य को अर्घ देना, यह विशेष फलदायक है खरमास महीने में।